हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, नहीं हुआ क्या? हो गया। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर फाइव ये ना, एन एलिप्स हैविंग फोकाई एट 3.3, या चेंज हो गया? यही है। अच्छा, एलिप्स है, इसकी फोकस अपने को 3-3 और माइनस 4-4 दे रखी है, और ये ओरिजिन से भी गुजर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि पहली बात तो अपने को एक 2 ही दे रखा है, शायद आपको सोच लिया आपने, दैट इज 3+4 का होल स्क्वायर प्लस 3-4 का होल स्क्वायर, गलत तो नहीं है भाई? अच्छा, एक तो ऐसे दे रखा है, और कह रहा है ये ओरिजिन से भी गुजरेगा, ठीक है। अगर ये ओरिजिन से गुजर गया तो आपको ये तो पता ही होगा कि ये वाला पॉइंट अपने आप में 3-3 है, और ये वाला पॉइंट इज 4.4, और ये ओरिजिन से गुजरा तो ओरिजिन 3.3 और 4, क्या रहनी भाई, मैं तो वैसे भी कंसेप्ट ही बता रहा था, ठीक है। ये दोनों का सम इज इक्वल टू 2 है, तो आप इन दोनों के बीच की दूरी निकाल करके उसमें ये, अगर जैसे मैं इसकी दूरी बता सकता हूँ 18, इसकी दूरी हो जाएगी कितनी, 32, तो ये मिल करके 2A हो गया, तो 2A इज इक्वल टू कितना हो गया, 18+√32, सही है। ई आ गया तो ए आ गया, ए तो आ ही गया, तो बी आ गया, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन खत्म, राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 8, एन एलिप्स इज ड्रॉन विद द मेजर एक्सिस एंड द माइनर एक्सिस विद द लेंथ। अच्छा, तो देखो, एक तो अपने को A इज इक्वल टू 5 दे रखा है, यही है ना, चेंज तो नहीं हो गया कहीं। अच्छा, A और B दे रखा है इतना, यूजिंग वन ऑफ द फोकस एज ए सेंटर। पहले, लेकिन इससे पहले कि अपन जाएं, अपन पहले E पे बात कर लें। A इज इक्वल टू हो गया 1-20, 16/25, मैंने 9/25, सही है, तो E इज इक्वल टू 3/5। अच्छा, यूजिंग वन ऑफ द फोकस एज ए सेंटर, ए सर्कल इज ड्रॉन यूजिंग वन ऑफ द फोकस एज ए सेंटर। इसका मतलब ये कि अपना सेंटर होता है AE, 0, तो मतलब ये कि या तो 3.0 हुआ सेंटर या -3.0, दोनों में से कोई एक सेंटर है, ठीक है ना, यही ये कहना चाह रहा है। अच्छा, आगे बोल रहा है कि एक सर्कल इज ड्रॉन दैट इज टेंजेंट टू एलिप्स, दैट इज टेंजेंट टू एलिप्स। अच्छा, विद नो पार्ट ऑफ द सर्कल बींग आउटसाइड ऑफ द एलिप्स, गुड है, बहुत बढ़िया है। द रेडियस ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द सर्कल इज ? रेडियस ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स इज ? 2 आंसर हो जाना चाहिए। वर्टेक्स कितना है इसका? ए 5 था ना, आंसर क्या है इसका? बी। अरे बकवास, ये तो, अरे ये ऐसा हो गया ना, मैंने आपको कहा था ना एक बार पहले भी कि ये थोड़ा इसकी तरफ ज्यादा होता है, ये एक्चुअली में एक सर्कल इस तरह से बनाएगा, और क्या, इसको अंदर ही रखना है, तो ये सेंटर इसका कितना हो गया 3.0, और वर्टेक्स इसका 5.0 है, क्योंकि ए अपना ये था ना 1.0, तो रेडियस कितनी रहेगी 2, दैट्स इट। उसने पहले ही बोल दिया कि बाहर नहीं जाना चाहिए सर्कल, जदोजद टच कर सकता है टेंजेंट हो जाएगा, ये तो लिखा ना मैंने, ये पढ़ा, ठीक है। यूजिंग वन ऑफ द फोकस एज अ सेंटर, अ सर्कल इज ड्रॉन दैट इज टेंजेंट टू द एलिप्स, सही है। और आगे वो ये भी बोला कि द नोट पार्ट ऑफ द सर्कल बींग आउटसाइड ऑफ द एलिप्स, सही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन नंबर 9, नहीं हुआ। अच्छा, 10, 10 नहीं हुआ। द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट, द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द पोर्शन इंक्लूडेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस टू द कर्व। अच्छा, एक सेकंड, क्वेश्चन कुछ और है, द इक्वेशन ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट। अरे, तो पहले तो बात ये है कि ये कोई इलिप्स है, इसके किसी पॉइंट पे कोई टेंजेंट है, उसका मिडल पॉइंट का लोकस बताना है, तो पहले तो टेंजेंट की इक्वेशन ले लेते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन पॉइंट हो जाएगा 4 cos θ, 3 sin θ, सही है ना भाई, तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी x into x cos θ / 4,
और वाई साइन थीटा डिवाइड बाई इज इक्वल टू वन। अच्छा इसका ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये कोऑर्डिनेट डालने के लिए y की जगह जीरो रख दूं, और फोर sec थीटा कमा जीरो, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा x की जगह जीरो रखने पे थ्री cosec थीटा, जीरो कमा थ्री cosec थीटा, इसको थ्री अपॉन साइन थीटा लिखना समझदारी रहेगी। पॉइंट h कमा k मान लो, तो h की वैल्यू हो गई फोर अपॉन cos थीटा, फोर अपॉन cos थीटा प्लस जीरो डिवाइड बाई टू, नहीं है इसे cos थीटा निकल जाएगा, k इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो प्लस थ्री अपॉन साइन थीटा डिवाइड बाई टू, इसे साइन थीटा आ जाएगा। लोकस आने में कोई देर नहीं है, है ना भाई। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11, 12, दोनों में से एक करवा लो भैया, 11 और 13 हमें जानता था, फिर आप पहले डिसाइड कर लो, मैं दोनों नहीं बताऊंगा। आप ये टाइम ऐसे निकाल लोगे नहीं तो, इसे छोटे छोटे क्वेश्चन में रोक रहे हो आप लोग। कौन सा 11 या 13? थर्टीन। चलो पी क्यू इज द डबल ऑर्डिनेट ऑफ द एलिप्स। अच्छा डबल ऑर्डिनेट ऑफ द एलिप्स, पी क्यू इज द डबल ऑर्डिनेट ऑफ द एलिप्स, दिस द नॉर्मल एट पी मीट्स द डायमीटर थ्रू क्यू। गंदा क्वेश्चन है ये, द नॉर्मल एट पी। अच्छा एक काम क्यों नहीं करते हो कि अपनी तरफ से P पॉइंट को जानबूझ करके, लेकिन ऐसा फिर वो एक तरफा हो जाएगा ना, क्वेश्चन कैटेगराइज्ड हो जाएगा। डबल ऑर्डिनेट है P को तो मानना ही पड़ेगा फिर आपको, A cos थीटा B sin थीटा, सही है। तो डबल ऑर्डिनेट होने पर A cos थीटा चेंज नहीं होगा, कमा माइनस का B sin थीटा हो गया, राइट है। ये क्यों आ गया, P आ गया, डबल ऑर्डिनेट ऐसी होती है। अच्छा इस पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा, अगला पता नहीं क्या कहना चाह रहा, मैंने अभी ध्यान से नहीं पढ़ा। नॉर्मल की इक्वेशन पहले देख रहा हूँ, नॉर्मल की इक्वेशन अपने पढ़ी थी ना, ए एक्स sec थीटा थी, हाँ है ना, माइनस बी वाई cosec थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, ऐसा कुछ था ना। हाँ अब पढ़ते हैं वापस क्वेश्चन को, कह रहे हैं कि पी क्यू अपने में डबल ऑर्डिनेट है, पी पे बनने वाला नॉर्मल जो है मीट द डायमीटर, ये डायमीटर ही तो है, ये क्या डायमीटर नहीं है क्या, ये क्या डायमीटर नहीं है क्या, दोनों डायमीटर है। मीट द डायमीटर थ्रू क्यू एट आर, मीट द डायमीटर थ्रू क्यू। अब अपने को डायमीटर भी ऐसी चाहिए जो क्यू से ही गुजरे, अरे हद यार अपनी पसंद की क्या मतलब। अच्छा एनीवे क्यू मिल गया, डायमीटर भी कौन सी, अच्छा ये डायमीटर को ये कहाँ जाके मिली, आर पे मिली, तो अपन इसकी इस लाइन का माने इस लाइन का और इस लाइन का पी ओ आई निकाल सकते हैं क्या, निकल तो जाएगा, ऐसे कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मैं एक्स की जगह क्या पटक दूंगा, एक्स तो अच्छा लगता है, वाई को पटकते हैं, तो वाई इज इक्वल टू कितना, माइनस एक्स साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये उठा करके अपन वाई की जगह रख देते हैं, सॉल्व हो जाएगा, माइनस बी ये वाला बी है ना। अच्छा एक कॉमन ही नहीं आएगा, यूं कोई बात नहीं, ज्यादा दूर नहीं जाएगा फिर भी, बी एक्स और यहां ए वाई हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू में ए और बी और दिख जाएंगे क्या होगा, ये बी हो जाएगा ये हो जाएगा, है ना, वाई की वैल्यू उठा के यहां रख दूंगा, इससे मेरे को इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अच्छा एक तो आर पे मिलती है, बस काम खत्म, पॉइंट मिला और फिर मैं इसके मिड पॉइंट पे आ जाऊंगा, एच कोमा के मान करके कर लेंगे आगे।
इसको भी कौन सा बहुत देर तक रोक पाएगा, कर लेंगे। मतलब मैंने रूपरेखा तो तैयार कर ही दी ऑलमोस्ट, उम्मीद है आपसे बन जाएगा। हाँ भाई, वैसे आपने बताया अच्छा क्वेश्चन, दोनों ही अच्छे थे, इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक कमजोर था। क्वेश्चन नंबर 40 हुआ है या नहीं हुआ, छोड़ दिया है। एसेंट्रिक एंगल का वो जो डिफरेंस है पाई बाय 2 है, माने वो अल्फा माइनस बीटा पाई बाय 2 है, मॉड अल्फा माइनस बीटा बोल लो, हाँ या ना। क्या चाहता है ये कि लाइन जो है ये एलिप्स को जिन पॉइंट पे कट करेगी, लाइन एलिप्स को जिन पॉइंट पे कट करेगी उनका डिफरेंस इतना है। ऐसा हमारे हिसाब से लाइन अगर एलिप्स को कट करेगी दैट विल बी कॉर्ड, कॉर्ड होते ही मैं इसको गा दूंगा इतना, सही है। और यहां गा देंगे कि वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और उधर हो जाएगा 1/√2, याद है ना आपको, कॉस पाई बाई 2/2, तो ये √2 हो गया। अच्छा, इसको कोई रोक ही नहीं सकता, √2 को इधर आना ही पड़ेगा, √2 इधर आ जाएगा, √2 इधर आ जाएगा, -1=0 हो जाएगा। इसके नीचे अपनी लाइन लगा देंगे भाई, क्या कहते हो आप, फिर कंपैरिजन हो जाएगा, नहीं कॉस और अल्फा इज इक्वल 1 करने पे आंसर आ जाएगा, मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए, हो जाएगा ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं 15, ये तो अपने करा है, ऐसा कुछ करा है क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, आप लोगों ने छोड़ दिया, मतलब ये गलत बात है, ये तो तुम ऐसे मेरे को एक एक पे रोकोगे तो मैं आऊंगा ही नहीं, मैं इस तरह से मैं भाग जाया करूंगा। हो गया हो गया हो गया हो गया, ये भी नहीं आता क्या, गधे हो गया, अपने को लाइन यार रटी हुई है कहीं तो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा एक सेकेंड, क्यू इज द पॉइंट ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल ऑन द एलिप्स, एक मिनट सोचने दो आप, क्यू इज अ पॉइंट ऑन अ एलिप्स, इधर आ रहा हूँ भाई मैं ना, क्यू इज अ पॉइंट ऑन ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ एन एलिप्स, पी इज द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द एलिप्स, एन इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अरे ये सारी चीजें देखी देखी सी लग रही हैं, फ्रॉम फोकस एस एन कुछ और है, अरे ये एन वो नहीं है, ये तो अभी मैंने अनुवाद किया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कह रहा है कि क्यू कोई पॉइंट है ऑक्सिलरी सर्कल पे, गुड, सुनते ही ए कॉस थीटा बी ए साइन थीटा ध्यान आ गया, राइट है, और इससे पी इज द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, तो ये पी बन गया ए कॉस थीटा, और आगे ये कुछ और बोल पड़ा, ये कह रहे हैं एस पे आ जाओ बाप, छोड़ दो उसको, एस से क्यू पर एक टेंजेंट डाला गया, एक सेम क्यू पर टेंजेंट डालते ही हमारे दिमाग में इक्वेशन आ जानी चाहिए एक्स कॉस थीटा बाई ए, याद आया आपको, एक्स कॉस थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1, ऐसा था ना, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, और आपने इसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला जो कि एन है, ऐसा मेरे को अनुवाद लगा, सर्कल पर अच्छा हाँ, तो डिवाइड बाय ए इधर आ जाएगा, सही है। एनीवे खैर आपने बहुत ही मजबूत बात पकड़ी, मुद्दे की बात सुन ली थी हमने कि एस से उस पे एन गिरा है। अच्छा, टू द टेंजेंट ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल एट क्यू, अभी चाहता क्या, मतलब एस पी क्या होगा, एस पी ये पॉइंट इज ए कॉमा 0 और ये वाला पॉइंट इज ए कॉस थीटा कॉमा 0, तो एस पी माने इन दोनों के बीच का गैप, तो एस पी इज नथिंग बट ए माइनस ए कॉस थीटा का मॉड, माने इन दोनों के बीच की दूरी, और एस एन क्या चीज होगा, एस पी तो निकाल ही लेते, मॉड क्या होता है, ए ई माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये अपना एस पी हो जाएगा। अच्छा, और मुझे नहीं पता ये क्या निकलेगा, और एस एन क्या होगा, एस एन पे आ जाते हैं, एस एन क्या चीज होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है किसी भी लाइन पर कॉस थीटा इंटू ए प्लस 0
माइनस ए का मॉड अपॉन वन, वो तो भूल जाए ना, क्या जिस दिन ये बाहर निकलेगा ये बन गया ए कॉस थीटा माइनस ए, मतलब ए कॉमा ले लो ब्रैकेट के अंदर ई कॉस थीटा माइनस वन, इससे ज्यादा क्या होगा। अच्छा इसको खोला आपने, एस पी इज इक्वल टू हाँ ये तो कैसे एस पी बराबर एस एन एस पी बराबर पी क्यू ऐसे एक 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 नापना पड़ जाएगा। एक मिनट खोपड़ी लड़ा लें पहले, उससे पहले एस पी क्या होगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर होगा और प्लस में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल, ये मिलकर के ये कुछ मिलेगा ही नहीं है ना। और अगर अपन ने एस क्यू निकाला तो एस क्यू एस पी तो नहीं मिलेगा लेकिन एस क्यू मिल सकता है शायद। एस क्यू इज इक्वल टू ए माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए, ये मिल गया भाई ए साइन स्क्वायर थीटा, क्या कहते हो आप। मैं अगर गलत नहीं सोच रहा तो ये हो गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर ई कॉस थीटा है ना भाई, और ये ए स्क्वायर कॉमन लेने पे ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। ई स्क्वायर प्लस वन होने का मतलब नहीं, वो भी बेकार जाएगा। आंसर क्या दिया है, क्या दिया है, ए एस पी बराबर एस एन, नहीं इनसे कोई गलती हुई है, क्या आ रहा है एस पी को सॉल्व करना पड़ेगा। अभी प्रथम दृष्टया तो नहीं दिख रहा भाई, लेकिन आप ट्राई कर लेना आगे की तरफ, मतलब मेरे से कोई एरर तो नहीं होनी चाहिए वैसे, लेकिन आप इन्हीं को सॉल्व करके आंसर बन जाएगा आपसे, मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है, लंबा तो नहीं जाएगा, या तो क्वेश्चन ही गलत प्रूफ होगा। ठीक है अपनी साइड से गलती नहीं निकलेगी, क्यों, क्योंकि अपन ने ऐसे कुछ किया ही नहीं अभी। डिस्टेंस फार्मूला हम गलत नहीं लगा रहे, पॉइंट हम गलत नहीं चुन रहे, दूरियां हमने गलत नहीं समझी, अनुवाद हमने गलत नहीं किया, पॉइंट टू पॉइंट बराबर चले हैं। तो अगर भाई देखो होगा तो आप वो जो क्रिटिकल मिस्टेक हो सकती है तो वो कैलकुलेशन में हो सकती है, उतना अपने पास समय नहीं, आप ट्राई कर लेना। ठीक है हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्या बात है। ठीक है अब इसके बाद की बात बाद में करेंगे। ठीक है।